सुबह सुबह का वक्त था। एक 15 साल की लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने कल रात भर जग के पढ़ाई करी थी आज के एग्जाम के लिए। उसने अपने मम्मी पापा को अलविदा कहा और स्कूल के लिए निकली। स्कूल में उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से हुई। उसके बाद उसका पेपर हुआ जो कि बहुत ही अच्छा गया। एग्जाम खत्म होने के बाद वो लड़की अपने दोस्तों के साथ स्कूल वैन में बैठ के घर के लिए वापस लौट रही थी। एक सुनसान सड़क पर उनकी स्कूल वैन को दो गनमैन ने रोक लिया। वो वैन में पीछे आए और उन्होंने पूछा कि मलाला कौन है। किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन सबकी गर्दन उस लड़की की तरफ मुड़ी। और फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मलाला यूसुफजई की ऑटोबायोग्राफी आई एम मलाला के बारे में। मलाला एक पश्तून ट्राइब से बिलोंग करती है जो कि मैक्सिमम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। मलाला के पापा जियाउद्दीन एक स्कूल चलाते हैं, खुशहाल स्कूल, जो कि स्वैट घाटी के सबसे बड़े शहर मिंगोरा में स्थित है। मलाला का नाम एक बहुत ही फेमस पश्तून सिंगर मलालाई के नाम पर रखा गया है। मलाला अपने घर में सबसे बड़ी है। उसके अलावा उसके दो छोटे भाई हैं। मलाला को बचपन से ही पढ़ने लिखने का और स्कूल जाने का बहुत ज्यादा शौक था। मलाला के पापा उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। ये मलाला की खुशकिस्मती थी कि वो अपने पापा की ही बनाई हुई स्कूल में पढ़ने जाती थी। मलाला ने बचपन से ही देखा था कि घर की जो बड़ी औरतें हैं वो पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं। फिर एक बार वो अपने माँ बाप के गांव शांद्रा गई, जहां पर उसने देखा कि उसकी उम्र की लड़कियां और बड़ी उम्र की लड़कियों को कुछ भी पढ़ना नहीं आता। वहां की लड़कियों को कुछ भी पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, ये कहते हुए कि इनको वैसे भी शादी करके बाहर चले जाना है। इसके अलावा उस गांव में ना ही टीचर होते थे, ना ही डॉक्टर होते थे, ना ही बिजली होती थी, ना ही पीने के लिए साफ पानी होता था। मलाला ने जब इन सब की शिकायत जियाउद्दीन से करी तो उसने बोला कि यहाँ पर तो माहौल फिर भी ठीक है। अफगानिस्तान में एक ग्रुप है तालिबान, जिसने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहां पर लड़कियों को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं है, और अगर कोई लड़की ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे बहुत ही सीवियर पनिशमेंट भी दी जाती है। मलाला की ये बात सुन के जान में जान आई, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि स्वैट घाटी अफगानिस्तान से अपनी कंट्री बॉर्डर शेयर करती थी। मलाला फिर जब 8 साल की थी तो उसने एक बार अपनी उम्र के बच्चों को नाले में से कचरा उठाते हुए देखा। जब उसने इस बात की शिकायत जियाउद्दीन से करी कि इन बच्चों को जब इस उम्र में पढ़ाई की किताबें उठानी चाहिए तो ये कचरा क्यों उठा रहे हैं, उस पे जियाउद्दीन ने उन्हें बोला कि इनके घर की हालात बहुत ही खराब है, इसलिए अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं। तो मलाला ने बोला कि ऐसे बच्चों को हम अपने स्कूल में फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते। तो जियाउद्दीन ने कहा कि अगर हम ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं तो रईस घर के लोग अपने बच्चों का एडमिशन वापस निकाल लेते हैं। 2009 में मलाला के शहर में एक 7.6 रिचर स्केल का भूकंप आया, और इसके बाद मलाला के शहर मिंगोरा के लोकल रेडियो पे एक आदमी के अजीब अजीब बयान आना चालू हो गए। ये आदमी था फजलुल्ला। ये ना ही कभी स्कूल गया था और ना ही इसके पास कोई धार्मिक क्रेडेंशियल थे। इसके बावजूद वो वहां के लोकल लोगों को भड़काने लगा, ये कहते हुए कि लड़कियों के लिए स्कूल जाना मना है। फजलुल्ला के बयानों को सुन के वहां के लोकल लोग उसकी बातों में आ गए, और फिर एक दिन 6 लोग मलाला के घर जियाउद्दीन को समझाने पहुंचे कि आप जो स्कूल चला रहे हो उसे बंद कर दो। जियाउद्दीन ने उस वक्त तो किसी तरह उन्हें वहां से समझा के भगा दिया, लेकिन फजलुल्ला का क्रेज मिंगोरा शहर में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर एक दिन फजलुल्ला के सपोर्टर्स ने तहरीक तालिबान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान था, उसे ज्वाइन कर लिया। फिर फजलुल्ला ने रेडियो पे यह ऐलान कर दिया कि लड़कियों का पब्लिक प्लेस पे अकेले जाना मना है, और अगर कोई भी लड़की पब्लिक प्लेस पर अकेले पाई जाती है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद मिंगोरा की सड़कों पर लोग बंदूकें लेके घूमते थे। जब मलाला 10 साल की हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में पहली बार एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, बेनजीर भुट्टो। मलाला को उस लड़की को देख काफी इंस्पिरेशन मिलती थी, क्योंकि वो लड़कियों के हक और पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात करती थी। लेकिन जब मलाला एक बार लाइव टीवी पे बेनजीर भुट्टो का स्पीच सुन रही थी, तब लाइव टीवी पे एक ब्लास्ट हुआ जिसमें बेनजीर भुट्टो मारी गई। चारों तरफ दहशत का माहौल था, क्योंकि अगर एक प्राइम मिनिस्टर को लाइव टीवी पे बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता है तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है।
लेकिन इस बार देश की सरकार फ्रंट फुट पे आई और स्वैट घाटी में तालिबान और आर्मी की जंग चालू हो गई। मलाला के घर के पास रात दिन गोलियों और बम की आवाज आती थी। उसे पता था कि गोलियां आर्मी वाले चला रहे हैं और बम ब्लास्ट तालिबान वाले कर रहे हैं। फिर फजलुल्लाह ने 2008 में एक प्राइमरी स्कूल में बम ब्लास्ट कर दिया और यही नहीं 2008 में 200 स्कूलों में बम ब्लास्ट हुए। फिर 2008 में एक पाकिस्तानी चैनल ने जियाउद्दीन को बोला कि हम एक स्टूडेंट की जबानी सुनना चाह रहे हैं कि वहां पे स्कूल जाने वाले बच्चों का माहौल कैसा है। ऐसे में तब पहली बार मलाला ने गुल मकाई के नाम से ब्लॉग्स लिखना चालू करे। गुल मकाई का नाम इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि अगर मलाला अपना असली नाम इस्तेमाल करती तो उसकी जान को काफी खतरा हो सकता था। इन सब के बीच बॉम्बिंग्स, गोलीबारी और जर्नलिस्ट का मर्डर, ये सब तो चलता ही रहा। फिर फजलुल्लाह ने अपने रेडियो के माध्यम से ये ऐलान करा कि जनवरी से सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर तालिबान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक नेगोशिएशन पे आए और स्वैट घाटी में शरिया लॉ लागू हुआ और लड़कियों का प्राइमरी स्कूल भी खुला रहने लगा। मलाला ने इसके बाद और भी सारे न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देना चालू करा। इनमें थे बीबीसी, जियो टीवी और यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो मलाला के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। क्योंकि केवल प्राइमरी स्कूल्स खुले रहते थे तो मलाला एक प्राइमरी स्कूल गर्ल का यूनिफॉर्म पहन के छुप छुप के पढ़ने जाती थी। लेकिन फिर इन सब के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और मलाला को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। वहां की गवर्नमेंट ने मलाला को नेशनल अवार्ड फॉर पीस से सम्मानित करा और यही नहीं, वहां की गवर्नमेंट ने उस अवार्ड का नाम ही चेंज करके मलाला अवार्ड कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मलाला और उसके पापा जियाउद्दीन को जानलेवा धमकियां आई। लेकिन मलाला अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझती थी क्योंकि 15 साल की उम्र में जहां ज्यादातर लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, वहीं उसे स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिल रहा था और अपने हक के लिए लड़ने का भी मौका मिल रहा था। मिंगोरा शहर के भी हालात में थोड़ा सुधार आया और वहां की लड़कियों का स्कूल जाना वापस चालू हुआ। फिर मलाला के स्कूल लड़कियों को पिकनिक पे लेके गई जहां पर मलाला ने अपने सहेलियों के साथ बहुत मस्ती करी। लेकिन फिर अगले दिन ये पोस्टर्स छप गए कि अपनी लड़कियों को खुशहाल स्कूल ना भेजें क्योंकि वहां की लड़कियां आवारागर्दी करती हैं और बाहर घूमती हैं। जियाउद्दीन को भी धमकाया गया कि हम तुम्हारे स्कूल को ब्लास्ट से उड़ा देंगे। और इसके बाद वो दिन आया, मलाला अपने 9th क्लास का पेपर देने के लिए स्कूल गई और पेपर देने के बाद जब वो स्कूल वैन से वापस लौट रही थी, दो गनमैन ने उसकी गाड़ी को रोका और मलाला को पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया। मलाला की आंख सीधे बर्मिंगम के एक हॉस्पिटल में खुली जहां उसके आजू बाजू कई सारे डॉक्टर्स थे। क्योंकि मलाला बोल नहीं पा रही थी इसलिए उसने लिख के अपने सवाल पूछे। उसने सबसे पहले पूछा कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, जिसमें नर्स ने बोला कि वो अभी पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो अगले हफ्ते तुमसे मिलने यहाँ आ जाएंगे। फिर मलाला ने बोला, इन सब का खर्चा कौन दे रहा है? तो नर्स ने बताया कि इन सब का खर्चा पाकिस्तानी सरकार दे देगी, तुम उन सब चीजों की टेंशन मत लो। फिर मलाला ने खुद को एक मिरर में देखा तो उसका लेफ्ट वाला सर पूरी तरह से शेव कर दिया गया था और उसका मुंह बहुत बुरी तरह से सूजा हुआ था। दो दिन आराम करने के बाद जब मलाला बोलने की स्थिति में आ गई तो उसने नर्स से पूछा कि उसे क्या हुआ था। तब उसे नर्स ने बताया कि तुम्हें तालिबानी लोगों ने पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया था, लेकिन वो गोली तुम्हारे माथे को लग के तुम्हारे लेफ्ट कंधे में अंदर तक घुस गई। तुम्हारे अलावा उन्होंने दो लड़कियों को और शूट करा था, शाजिया और कायनात, वो दोनों भी अब खतरे से बाहर है। लेकिन तुम्हें जैसी ही गोली लगी, पाकिस्तानी आर्मी ने तुम्हें पेशावर शिफ्ट करा। वहां के डॉक्टर ने बोला क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सूज रहा था इसलिए उन्हें सर्जरी करके तुम्हारा स्कल काटना पड़ा ताकि ब्रेन को एक्सपैंड होने का मौका मिल सके, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे लंग्स फेल होने लगे। फिर यूएई के एक सिटीजन ने अपना प्राइवेट जेट की मदद से तुम्हें बर्मिंगम के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा। मलाला की हालत में फिर धीरे धीरे सुधार आने लगा और उसे दुनिया के हर कोने से गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड्स मिले। हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल में उसी का चेहरा दिखाया जा रहा था कि एक छोटे शहर से आई हुई लड़की अपनी पढ़ाई के जज्बे के कारण गोली भी खा ली लेकिन हार नहीं मानी।
उसे यूएसए, कनाडा, केन्या, जापान जैसी कंट्री से भी गिफ्ट्स मिले। बेनजीर भुट्टो के बच्चों ने अपनी माँ द्वारा पहना हुआ स्कार्फ मलाला को गिफ्ट में दिया। सिर्फ यही नहीं, बियॉन्से, मैडोना, एंजेलिना जोली और सेलेना गोमेज जैसे सेलिब्रिटीज ने भी उसे बधाई दी। इसके बाद उसके माँ बाप भी उससे मिलने बर्मिंगम पहुंचे। और यही नहीं, उस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी मलाला से मिलने बर्मिंगम पहुंचे। वहां उन्होंने मलाला के पापा जियाउद्दीन को इंग्लैंड का पाकिस्तान एजुकेशन एम्बेसडर बना दिया। मलाला का अब पाकिस्तान वापस जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहां के तालिबान लीडर ने यह ऐलान करा था कि अगर मलाला वापस आती है तो उसे हम फिर से मारेंगे। मलाला ने फिर इंग्लैंड में ही एडबेस्टन हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। वो यहाँ की टेक्नोलॉजी देख के चौंक गई थी कि कहाँ उसे अपने शहर में एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक की मदद से पढ़ाया जाता था और यहाँ पे प्रोजेक्टर्स और कंप्यूटर्स की मदद से। मलाला फिर कई सारे फेमस लोगों से मिली, जैसे बराक ओबामा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, प्रिंस हैरी और डेविड बेकहम। उसके बाद 16 साल की उम्र में उसने यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में अपनी पहली स्पीच दी। उसने उस दिन वही स्कार्फ पहना हुआ था जो आज से कभी पहले बेनजीर भुट्टो ने पहना होगा। वहां उसने कहा, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। इसके बाद मलाला को 2014 में नोबल प्राइज फॉर पीस से सम्मानित करा गया। मलाला के अलावा जो दो लड़कियों को गोली लगी थी, शाजी और कहनात, उन्होंने भी अटलांटिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करी। अभी के टाइम की अच्छी खबर यह है कि फजलुल्लाह, जिसने मलाला के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दिया था, वो 2008 में यूएसए द्वारा करी गई एयर स्ट्राइक्स में मारा गया। यहाँ पे मलाला की स्टोरी खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।